आज हम बात करेंगे भारत के उस बाहुबली की जिसका नाम सुनकर देश के दुश्मन के दिल डर से कांपने लगते हैं। इस बाहुबली का नाम है तेजस, जो है हवा से तेज, गति से तेज, अटैकिंग में तेज। तेजस को भारतीय वायुसेना का अगर भविष्य कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं जानने के लिए देखिएगा हमारे पूरा वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपक गुप्ता और आप देख रहे हैं अल्फा रेजिमेंट। अल्फा रेजिमेंट, अर्न यूनिफॉर्म, अर्न रिस्पेक्ट। क्या है तेजस? तेजस भारत का पहला सबसे हल्का और कई तरह की भूमिकाओं वाला स्वदेशी फाइटर जेट है। तेजस का निर्माण भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा की गई है। तेजस सिंगल सीटर और सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और अब इसे भारत का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जा रहा है। तेजस का इतिहास। तेजस शब्द का अर्थ है अत्यधिक ताकतवर ऊर्जा। तेजस को उसका नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। बेहद ही लाइटवेट बनाया है और काफी सारी सुविधाओं से लैस है ये फाइटर जेट। जब भी लड़ाकू विमान की बात होती है तो अक्सर ये बात कही जाती है कि जिस देश के पास सबसे ताकतवर वायुसेना होती है उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है। भारत के पास अब तेजस है जो पलक झपकते ही आसमान की ऊंचाई आसानी से छू लेता है। तेजस 42% कार्बन फाइबर और 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है। तेजस सिंगल इंजन और सिंगल सीटर वाला विमान है, लेकिन इसका ट्रेनर वेरिएंट 2 सीटर वाला है। तेजस एक बार में 54,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। तेजस को तैयार करने में 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2,376 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ान भरने में सक्षम है। 3,000 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय कर सकता है। 43.4 फीट लंबा और 14.9 फीट ऊंचा है ये तेजस। तेजस में इंजन अमेरिका का लगा हुआ है, सीट ब्रिटेन का लगा हुआ है और रडार मिसाइल इजराइल के लगी है। ऊंची ऊंचाई के साथ साथ कम ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में है ये सक्षम। महज 460 मीटर के रनवे में दौड़ के उड़ान भरने में है ये सक्षम। तेजस में दुनिया की खतरनाक मिसाइल में से एक ब्रह्मोस भी है। तेजस एक बार में 2 ब्रह्मोस मिसाइल को ले जाने में है सक्षम। तेजस में अत्याधुनिक आईएसआर रडार लगी है जो कि इजराइल द्वारा निर्मित है। तेजस 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। तेजस में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्रिटिकल ऑपरेशन क्षमता के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार लगा है। यह हवा में ईंधन भर सकता है और जंग के लिए दोबारा तैयार हो सकता है। तेजस दूर से भी दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है। इतना ही नहीं, यह दुश्मन के रडार को भी चमका देने की क्षमता रखता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तेजस की तुलना सुखोई से की जाए तो ये सुखोई से भी काफी ज्यादा हल्का है और सुखोई जितना ही भारी सामान अपने साथ ले जाने में सक्षम है। तेजस का निर्माण करने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि तेजस इसलिए महंगा है क्योंकि इसमें अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं और इजराइल की रडार के साथ साथ इसमें स्वदेशी रडार भी लगे हैं। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट न केवल देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत उपयोगी है बल्कि दुनिया भर के कई देश इस लड़ाकू विमान के दीवाने हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षात्मक जरूरतों और निर्यात दोनों को पूरा करने के लिए LCA तेजस का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। तेजस चीन के JF-17, कोरिया के F-50, रूस के MiG-35 और Yak-13 को टक्कर दे रहा है। क्यों है इतनी मांग तेजस की? तेजस छोटा होने के साथ साथ काफी किफायती लड़ाकू विमान है। छोटा होने के कारण ये दुश्मन के रडार में नहीं आता, वहीं छोटा आकार होने के कारण ये तेज गति से दुश्मन पर आसानी से वार कर पाता है। इसकी कॉकपिट की जांच वाली बनावट से चारों ओर देखने में आसानी होती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी साल में सिर्फ 8 एयरक्राफ्ट बना पा रही है जो कि काफी स्लो है, लेकिन आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रोडक्शन लाइन को इंक्रीज किया है और काफी प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप भी किया है। तेजस Mk-1A के काफी पार्ट से काम को साल 2019 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 3 कंपनी लार्सन एंड टुब्रो, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी को सौंपे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को और भी प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप करना चाहिए और प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना चाहिए जिससे भारत तेजस को दूसरे देशों को तेजस बेच सकता है और अपने डिफेंस बजट के साथ साथ अपने देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारा ये चैनल अल्फा रेजिमेंट अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलता हूँ दोस्तों, लेकर के आऊंगा एक नई वीडियो नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।